हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, गर्मियों के मौसम में और बरसातों में हमारी स्किन पर रैशेस, रेडनेस, इचीनेस और तरह तरह के स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती ही रहती हैं। तो उन्हीं सारी स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैं आज आपसे शेयर करूंगी कि आप घर पर ही कैसे बना सकते हैं नीम सोप। नीम में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि हर तरह के स्किन इन्फेक्शंस, इरिटेशन या स्किन डिजीज़ से हमें छुटकारा दिला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आप मेरा कोई भी फ़ायदेमंद वीडियो मिस ना करें। इस सोप को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा नीम पाउडर। नीम पाउडर बनाने के लिए आप कुछ नीम की पत्तियाँ लीजिए और उन्हें अच्छे से धोकर धूप में 2 से 3 दिन तक सुखा लीजिए। जब पत्तियाँ अच्छे से सूख जाए तो उन्हें मिक्सी में पीसकर उनका एक पाउडर बना लीजिए। आप चाहे तो इस सोप के लिए आप रेडीमेड नीम पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप एक बोल में 2 टेबलस्पून नीम पाउडर लीजिए। नेक्स्ट आप उसमें 1 टेबलस्पून नारियल का तेल, 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, 1 टीस्पून विटामिन ई ऑयल और 4 से 5 ड्रॉप्स टी ट्री एसेंशियल ऑयल की उसमें डालकर अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये हमारा सोप मिक्स तैयार है। अब इस सोप को बनाने के लिए हमें कोई भी सोप बेस चाहिए होगा। आप चाहे तो रेडीमेड सोप बेस ले सकते हैं, मैं यहाँ पियर सोप ले रही हूँ। आप पियर सोप को छोटे छोटे पीसेज में काट लीजिए और फिर इस सोप को आप माइक्रोवेव में या डबल बॉयलर पर रखकर इन्हें मेल्ट कर लीजिए। जैसे ही सोप मेल्ट हो जाए तो आप उसमें नीम सोप मिक्स जो हमने तैयार किया था उसे ऐड कर दीजिए और फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप कोई भी सोप मोल्ड ले लीजिए जिसमें आपको सोप को सेट करना हो। मैं यहाँ एक डिस्पोजेबल ग्लास और मफिन मोल्ड ले रही हूँ सोप बनाने के लिए। अब आप इस सोप मिक्स को इन मोल्ड्स में पोर कर लीजिए। इन सोप्स को सेट करने के लिए हमें इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ना होगा। 2 घंटे बाद जब ये सोप अच्छी तरह सेट हो जाए तो आप इन्हें मोल्ड में से निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं कि नीम सोप्स कितने अच्छे लग रहे हैं। आप इन सोप्स को घर में ज़रूर बनाइएगा। ये आपकी स्किन पर से सनटैन को रिमूव करेगा, आपकी स्किन पर अगर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है उसे दूर करेगा। गर्मियों में जैसे स्किन पे दाने हो जाते हैं तो इस सोप के यूज़ से वो दाने भी ठीक हो जाएंगे और ये उन दानों को आने से भी प्रिवेंट करेगा। अगर आपकी स्किन पर किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो इस सोप के यूज़ से आपकी स्किन पर सारे इन्फेक्शन कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इन सोप्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को भी लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।